ओम गणपते नमः गणेशाय नमः। मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन, मंगल और शनि की कंजंक्शन युति, क्या रिजल्ट रहते हैं? कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट सीरीज में इस टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, जब भी आप कंजंक्शन को देखना चाहते हैं, आप दोनों प्लैनेट्स के बेसिक नेचर, उनकी एनर्जीज को समझने की कोशिश करें, उसके बाद उसके ऊपर कंजंक्शन के प्रिंसिपल्स लगाएं। तो मंगल शनि की कंजंक्शन है, हमने मंगल पहले बोला है, तो पहले मंगल देख लेते हैं। मंगल क्या है? मंगल आपकी डिजायर है, ये आपकी एफर्ट है, ये आपकी इच्छा है, ये एक्शन है। मंगल सेनापति है, मंगल रेड प्लेनेट है, इनर प्लेनेट है, जल्दी चलता है। मंगल एक राशि में 45 दिन रहता है, डेढ़ साल में पूरे जॉडी को कवर करता है। शनि 25 साल एक राशि में रहता है और जॉडी का चक्कर 30 साल में लगाता है। सो शनि स्लो है, तभी इसको शने शने बोलते हैं। शनि ब्लैक बॉडी है, शनि वर्किंग क्लास को इंडिकेट करता है, और जबकि मंगल अग्रेशन है, सेनापति है, ये वॉरियर है, डिस्ट्रॉयर है, ये जल्दी जल्दी चलने वाला है, मतलब हर काम की जल्दी जल्दी जल्दी। सो अभी कंजंक्शन किसका हुआ? मंगल और शनि का। सो मंगल डिजायर है, शनि मेहनत है, सो डिजायर पूरी करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये संघर्ष योग बन गया, स्ट्रगल योग बन गया, आपको अपनी डिजायर पूरी करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो दोनों तामसिक प्लैनेट हैं, सो जातक की पर्सनैलिटी कैसे होगी? हार्ड पर्सनैलिटी होगी। हार्ड क्यों होगी? क्योंकि उसने जीवन में बहुत संघर्ष किया है किसी भी चीज को पूरा करने के लिए। कोई चीज उसको प्लेटर पे नहीं मिली, उसने जान लगाई है। जो आदमी जान लगाता है, संघर्ष करता है, बड़ी मुश्किल से चीज को हासिल करता है, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार रहता है, सो वो स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रगल की नेचर रहेगी उसकी। ये लोग अपने असूलों पे जिंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि जब मेरे को किसी की जरूरत थी तो आपने हेल्प नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, तो मैं अपने असूलों पे चलूंगा, मेरे रूल्स हैं। रेबेलियन नेचर रहता है, वो किसी के नीचे काम नहीं करता है, वो अपना इंडिपेंडेंट रूल बनाता है और हर अथॉरिटी के साथ वो लड़ना चाहता है। अगर कनेक्शन 10th हाउस से हो, आर्मी, इंजीनियर, स्किल्ड लेबर में उसका कनेक्शन जरूर देखने को मिलेगा। मंगल ब्लड है, शनि इन्फेक्शन है, सो ब्लड के अंदर इन्फेक्शन जरूर देखने को मिलेगी। शरीर ब्लॉकेज है, सो ब्लड पे ब्लॉकेज, सो आप समझे बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल की इनको प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, मंगल और शनि दोनों टेक्निकल सब्जेक्ट्स को डील करते हैं, सो जातक टेक्निकल क्वालिटीज उसके अंदर जरूर देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि वो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, मगर इंजीनियरिंग होनी या नहीं होनी, मगर उसके अंदर टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड जरूर होगा। कैरियर के मामले में मंगल और शनि आदमी को इंडस्ट्रियलिस्ट बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, डॉक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एक नई ऊंचाई पे पहुंचाते हैं, मगर पहुंचाते देरी से है, जल्दी नहीं है, बड़ी धीरे धीरे। सो अगर मंगल की पोजीशन, मंगल या शनि दोनों में कोई भी प्लेनेट एग्जॉल्टेशन में है या अपने साइन में है, तो उसको उसके हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। शादी के लिए मंगल शनि 7th हाउस में हो, 8th हाउस में हो, तो ये बड़ा डैमेजिंग इफेक्ट करता है। शादी में एक मेजर प्रॉब्लम आती है, शादी हो भी जाए तब भी प्रॉब्लम रहती है। सो जब भी ऐसे लोग जिनके मंगल शनि है, चार्ट मिलाते हुए सावधानी से चलें, और जरूरत पड़ती है तो कोई रेमेडी करा लें। पैसे के मामले में मंगल शनि योग, पैसा आता है, धीरे धीरे आता है,
मकर शनि बोलता है कि कर्म करो, भाई बहनों की मदद करो, लोगों की मदद करो। भाई बहन तो स्पेशली सिबलिंग्स की जरूर मदद करो, लोअर क्लास की मदद करो। आपने देखा होगा कई धर्मों के अंदर दशमांश देते हैं, जो आपकी इनकम है वो उसका 10% किसी रिलीजियस एनजीओ सोशल वर्क उसके अंदर देते हैं। मतलब 10% आपने दान देना है। जब 10% दान देते हैं तो दोनों प्लैनेट्स की इच्छा पूरी हो जाती है और पैसा की आने की स्पीड बढ़ जाती है। सो पैसे का फ्लो नहीं रुकता है। सो अगर मंगल शनि आपके चार्ट के अंदर है और पैसा आने में दिक्कत है, तो आप समझें कि आपने इनकम का 10% भाइयों में, बहनों में, गरीब लोगों में बांटना है, एनजीओस में, मंदिर में। सो पैसे का कोई आपको कमी नहीं रहेगा। दोस्तों मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन आपके फर्स्ट हाउस में बन गया। हाउस से जाने से पहले बेसिक प्रिंसिपल याद रखें, जो प्लैनेट पीछे होता है वो आगे वाले प्लैनेट को कंट्रोल करता है। मान लीजिए शनि पीछे है तो मंगल जो है जल्दी स्पीड में जाना चाहता है, तो शनि उसको बोलता है आराम से, मैच्योरिटी से, ध्यान से। सो शनि उसको कंट्रोल कर लेता है। सो कोई भी एक्शन जो होगा वो मैच्योरिटी के साथ होगा, सोच के होगा, प्लानिंग के साथ होगा। तो ये पॉजिटिव साइन है। जब शनि आगे रहे यानी कि शनि की डिग्री ज्यादा है और मंगल की डिग्री कम है यानी कि मंगल पीछे है, तो जातक रिएक्शन जल्दी देता है, प्लानिंग नहीं कर सकता, प्लानिंग बाद में होगी, पहले आपने एक्शन कर दिया। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, शनि बड़ा प्लेनेट है, उसका इफेक्ट उस पर ज्यादा रहता है। तो ये बात करेंगे शनि मंगल जब फर्स्ट हाउस में होता है। फर्स्ट हाउस में होता है तो फर्स्ट हाउस क्या है, आपकी सोल है, आपकी आत्मा है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपकी काम करने की इच्छा है। मंगल वहां पे था तो उस इच्छा को बढ़ाता है, डिजायर को बढ़ाता है, मगर शनि उस चीज को स्लो कर देता है। सो आप करना चाहते हैं मगर शनि करने नहीं देता। सो यह लाइफ में इरिटेशन देता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, इनसिक्योरिटी देता है। अगर यहां पे शनि पीछे है तो आदमी डिसिप्लिन रहता है, उसके जो एक्शन है कंट्रोल्ड रहते हैं। जब यही कॉम्बिनेशन सेकंड हाउस में बनता है, सेकंड हाउस में मैंने आपको बताया कि जो आपका पैसे की आने की स्पीड कम हो जाती है, आपकी बोलचाल जो है वो हार्श हो जाती है। सो ऐसे केस में क्या करना है, आपने ध्यान से बोलना है और पैसे में आने में प्रॉब्लम हो तो अपना दशमांश यानी कि पे का 10% कहीं सोशल वर्क, एनजीओस, लोगों की मदद पे लगाना है। शनि मंगल जब थर्ड हाउस में आ जाए, थर्ड हाउस किसका होता है, आपके यंगर ब्रदर का, आपके सिबलिंग्स का। सो पहले तो आपके अगर यंगर ब्रदर्स हैं, स्पेशली मेल ब्रदर नॉट सिस्टर, उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, नेबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं रहते, सोशल ग्रुप में सेटिंग होने में दिक्कत रहती है। एक और सीक्रेट शेयर कर रहा हूं, ऐसे केसेस में जो जातक की मदर है उसका मिसकैरेज होता है जातक के पैदा होने के बाद, यानी कि वो छोटे भाई बहनों को दुनिया में आने नहीं देना चाहता। अगर आते हैं तो उनके साथ बनती नहीं है। सो अगर किसी के सैटर्न मार्स थर्ड हाउस में है, सो अब ध्यान रखें ब्रदर सिस्टर के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। थर्ड हाउस है आपके एंटरप्रेन्योरशिप का। सो ऐसे लोग इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर सकते हैं। कोई काम हो सकता है जिसके अंदर लैंड के साथ डीलिंग हो, मशीनरी के साथ डीलिंग हो। अगर शनि मंगल कंजंक्शन फोर्थ हाउस में बनता है, फोर्थ हाउस किसका, मदर का, लग्जरी व्हीकल, होम। सो मंगल शनि की युति फोर्थ हाउस के अंदर
आपको आपकी सोच की वजह से नींद नहीं आती, घर का सुख मिलने में दिक्कत होती है, मतलब मेंटल पीस पे इफेक्ट आता है। ऐसे लोग प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज हो सकती है, वो जो कुछ लोग प्लॉटिंग करते हैं, प्लॉट काट के बेचते हैं, उनके साथ उसका कनेक्शन हो सकता है, चंद्रमा के घर में है। सो ऐसे लोग मदर के साथ जनरली उनका कोई इश्यूज चलता रहता है, मदर के साथ उनको खुशी नहीं मिलती है और वो अपनी मदर को परेशान करके रखते हैं। मंगल शनि फिफ्थ हाउस में आ जाए, जनरली जो जातक है वो टेक्निकल साइड में जाता है, उसकी एजुकेशन टेक्निकल साइड में होती है, हो सकता है उसको एजुकेशन में कोई ना कोई ब्रेक करनी पड़े। उसका दिमाग प्रॉपर्टी में चलता है, स्पोर्ट्स के फील्ड में वो जा सकता है। थर्ड और फिफ्थ हाउस में अगर हो तो जातक स्पोर्ट्स में जाता है, वो स्पोर्ट्स में जाता है जो बॉडी बिल्डर टाइप हो, जिसके अंदर उसको फिजिकल पावर ज्यादा यूज करनी पड़े। फिफ्थ हाउस में संघर्ष योग बन रहा है, तो संघर्ष क्या होगा, एजुकेशन में, लव अफेयर में, बच्चे होने में, इंटेलिजेंस में, इन चीजों पे संघर्ष योग बनता है। सो उसको मेहनत करने के बाद रिजल्ट मिलते हैं। अगर मंगल शनि सिक्स्थ हाउस में कंजंक्शन आ जाए तो आप ये समझें कि उसके जितने दुश्मन हैं वो सब खत्म है, कोई दुश्मन उसके सामने नहीं टिक सकता, वो किसी कंपटीशन में चले जाए कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो हर कंपटीशन विजय करके आगे बढ़ता है, कर्म स्थान पे है, वो अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से, एनर्जी के लेवल से कर्म स्थान पे नए नए मुकाम हासिल कर सकता है, नई ऊंचाइयां हासिल कर सकता है। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर, किसी भी प्रोफेशन में, वो हमेशा सक्सेस पाते हैं। मंगल शनि सेवंथ हाउस में आ जाए, सो डाइवोर्स, नो मैरिज, मिस हैपनिंग इन मैरिज, दोनों जो मेलिफिक हैं सेवंथ हाउस में आके मैरिज के हाउस को, पार्टनरशिप के हाउस को डिस्टर्ब करते हैं। सो ऐसे लोगों को चार्ट मिलाते हुए सावधानी बरतनी पड़ेगी। एट्थ हाउस में भी वही प्रॉब्लम है, शादी की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम है। तो जब मंगल शनि सेवन एट्थ हाउस में आ जाए तो गाड़ी चलाते हुए सावधान रहना है, क्योंकि इनको चोटें लगती रहती हैं। मंगल शनि नाइन्थ हाउस नॉट गुड फॉर रिलीजन, फादर, दोनों अग्रेसिव नेचर देते हैं, फादर के साथ एंटी हो जाते हैं। सो इन लोगों को फादर के साथ इनका अपना ट्रीटमेंट ठीक रखना पड़ेगा, गुरु के साथ, टीचर के साथ इनकी बनती नहीं है, ये उसकी बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से जब फिफ्थ में हो, नाइन्थ में हो, इनकी एजुकेशन डिस्टर्ब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं। शनि और मंगल जब टेंथ हाउस में आ जाए तो कैरियर के अंदर ये चुनेंगे आर्मी, इंजीनियरिंग साइट, पॉलिटिक्स, कोई खेती बाड़ी का काम, उसके अलावा इंडस्ट्रीज का काम, क्योंकि जमीन शनि है, मंगल इंडस्ट्रीज है, मंगल को लैंड के साथ भी कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली इंडस्ट्री लैंड पे लगेगी, सो ये लोग इंडस्ट्री से जुड़े हो सकते हैं। संघर्ष रहेगा, क्योंकि मंगल शनि का काम ही है संघर्ष देना, ये लोग पॉलिटिक्स से जुड़ सकते हैं। मंगल शनि अभी आगे 11th हाउस में, 11th हाउस सोशल नेटवर्किंग का हाउस है, और यहां पे मैलिफिक अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहां पे ये कैसी सिचुएशन बनाएंगे जहां पे पब्लिक के अंदर इनको नेम एंड फेम मिल सकता है, मिलेगा मेहनत के बाद। सो पॉलिटिशियंस के चार्ट के अंदर आप मंगल शनि का कंजंक्शन 10th में, 11th में देखने को आपको मिल सकता है। मंगल शनि 12th हाउस में, इट इज बैड फॉर स्पिरिचुअलिटी, मोक्षा, क्योंकि दोनों कर्मों के प्लेनेट हैं, वो कर्म करना चाहते हैं, 12th हाउस स्पिरिचुअलिज्म का घर है, सो यहाँ पे दोनों प्लेनेट कंफर्टेबल नहीं रहते हैं।
सो जातक का खर्चा ज्यादा बढ़ जाता है, जेल यात्रा के चांसेस बने रहते हैं। बेड प्लेयर जो है वो किसी भी लोअर कास्ट के साथ वो बेड प्लेजर को एंजॉय करता है। ट्वेल्थ हाउस आपका मोक्ष का घर है, और जब कार्मिक प्लैनेट वहां बैठते हैं तो वहां पे दिक्कत करते हैं। दोस्तों, मंगल शनि का कंजंक्शन संघर्ष योग है, ये आपको जिंदगी में संघर्ष देता है। जो आदमी संघर्ष करता है वही आगे जाता है, वही सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है। सो काफी बड़ी पर्सनैलिटीज देखेंगे जिनके अंदर शनि मंगल का कंजंक्शन बन रहा है। अगर प्रॉब्लम आए तो क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, शिवलिंग पे पानी चढ़ाएं, शनि का मंत्र करें। ये चीजें हैं जब शनि मंगल के रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव नहीं नेगेटिव मिल रहे हों। फिर मंगल आपके सिबलिंग्स हैं, शनि कर्म है, सो आपके कर्म पेंडिंग है अपने सिबलिंग्स के लिए। अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखेंगे, उनके साथ कर्म करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे, तो आपको ये कंजंक्शन काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। दोस्तों, ये तो था मंगल शनि का कंजंक्शन कंजंक्शन ऑफ प्लैनेट सीरीज में। बाकियों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। आपका दिन शुभ रहे। ओम गणपते नमः।